इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिमाचल यूनिट का 12वां राज्य स्तरीय सम्मेलन CSIR पालमपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने किया, जबकि कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में सांसद शांता कुमार ने शिरकत की। मुख्य अतिथि ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। दो दिनों तक आयोजित होने वाले सम्मेलन में प्रदेश भर के 200 से अधिक डेलीगेट भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर 44 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने अपने चिकित्सा विशेषज्ञता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की जानकारी उपलब्ध करवाई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा गांव, गरीब और दुर्गम क्षेत्रों में भी गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों का प्रदेश में तथा जिला कांगड़ा पर पधारने पर स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलनों से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य मानकों में देश में बहुत ऊपर है और यह सब डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहे हैं और 6ठा मेडिकल कॉलेज शीघ्र आरंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रति वर्ष 206 डॉक्टर पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में 200 बैनलेस सेंटर खोलने के लिए प्रयास कर रही है, जिसमें 30 वर्ष आयु से ऊपर के सभी लोगों के टेस्ट निःशुल्क किए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्रियान्वयन के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने सुझाव सरकार को दे, ताकि स्वास्थ्य मानकों में देश को और बेहतर स्थान प्राप्त किया जा सके। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में 6ठा मेडिकल कॉलेज हम कुछ दिनों के बाद शुरू करने वाले हैं। एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश और उस हिमाचल प्रदेश में इस समय 5 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। कठिनाइयां आ रही, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कठिनाइयां आ रही उन कठिनाइयों को हम सरकार मिल बैठ करके दूर कर रही है। यदि एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए जिस फैकल्टी की बात की जाती है, उस फैकल्टी की मजबूती के लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि एक इलाके में ऐसा संस्थान मजबूत किया जाए, उस संस्थान में स्वास्थ्य, उस हॉस्पिटल में जितने पद सृजित हैं वो भरे जाएं। पर हमें दुख इस बात का भी है, एमडी और पीजी करने के हिमाचल प्रदेश में 206 लोग हर साल पीजी करते हैं। इस अवसर पर सांसद शांता कुमार ने पालमपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन की बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि मरीज के साथ अच्छा व्यवहार दवाई से ज्यादा कार्य करता है, इसीलिए डॉक्टरों को अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, जिससे आपसी विश्वास की भावना उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी को जैनिक दवाइयां उपलब्ध हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल एसोसिएशन सरकार को सुझाव दी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में बहुत हुआ है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने सभी मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों का पालमपुर आने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के बनाए बहुत सारे मंदिर हैं और भगवान ने इंसान बनाया है और उनकी सेवा सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य वो है जो दूसरों के लिए काम आए, भगवान के बाद डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिमाचल यूनिट के अध्यक्ष डॉक्टर एस के नंदा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सबसे बड़ी डॉक्टरों की एसोसिएशन है, जिसमें लगभग 4 लाख चिकित्सक सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि इस मे पर एसोसिएशन के सदस्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। औरों के लिए भी नहीं जीता, केवल अपने लिए जीता है, वो मरे हुए से भी ज्यादा मरा हुआ है। मनुष्य वो है जो अपने साथ, अपने समाज के लिए, बाकी लोगों के लिए अच्छे। इसलिए मनुष्य मात्र की सेवा की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे डॉक्टर परमार जी ने कहा, आपका व्यवसाय व्यवसाय नहीं है,
नहीं है व्यवसाय। भगवान के बाद दीन दुखी के सामने आप होते हैं और आपके उपचार से आपके प्यार से कितनी राहत मिलती है लोगों को और उसको देखकर आपको भी कितनी प्रसन्नता होती होगी। इसलिए मनुष्य मात्र की सेवा का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश सौभाग्यशाली है, विपिन परमार जी ने जैसे कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में हम बाकी देश से काफी आगे हैं, लेकिन अभी तक भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार कोशिश कर रही है,